जिक्र से दिलों को आबाद रखना, गुनाहों से खुद को पाक रखना। हमारी बस इतनी सी गुजारिश है आपसे, हमारी बस इतनी सी गुजारिश है आपसे कि रमज़ान के महीने में भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना। सी वॉट ए बिग लॉफ्ट, ह्यूज लॉफ्ट है अपना उस्ताद प्यारे मियाँ का, और ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें। इस तरह का इन्होंने लॉफ्ट तैयार कर रखा है, जस्ट लाइक ए रूम, एक बड़े कमरे की तरह आप देख सकते हैं। ये सब परिंदों का बना रखा है, इसमें कबूतर बैठे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच इसके गेट हैं और ऊपर स्लाइड वाले इनके गेट हैं। ये देखिए इस तरह का लॉफ्ट है और ये सारे परिंदे हैं सब। नाज़रीन और दोस्तों, मैं सैयद वसीम अख्तर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वसीम पिजन वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं टोंक की एक मशहूर छत है उस्ताद प्यारे मियाँ के कबूतरों का आपको शौक कराया जाएगा इंशाल्लाह, और इनको केवल उड़ाने का शौक है। काफ़ी टूर्नामेंटों में इन्होंने हिस्सा लिया है और मुसलसल इनसे आपको रूबरू करवाएँगे और बातचीत करेंगे इनका कबूतर वजी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह के कबूतर का शौक है और किस तरह के इन्होंने टूर्नामेंट उड़ाए, उससे अभी इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, माशाल्लाह आप उस्ताद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से शौक कर रहे हैं कबूतर परवरी का जी, और काफ़ी टूर्नामेंट में भी आपने हिस्सा लिया जी। एवर ग्रीन प्लेयर हैं आप टोंक के, पूरे राजस्थान में आपको जानते हैं इस शौक की वजह से। तो कोई ये टूर्नामेंट्स जो आपने विन किए उसके बारे में थोड़ा मुसल बताएंगे? अपन ने एक साल में तीन टूर्नामेंट जीते थे जी जी, जिसमें तीन कबूतरों का था जी जी, पाँच कबूतरों का था और सात कबूतरों का था। तीन कबूतरों के अपने 32 घंटे 3 मिनट बने थे जी जी, और पांच कबूतरों के 50 घंटे बने थे। क्या बात है। और सात कबूतरों के 65 घंटे बने थे। ये 8-8 दिन के अंदर ही उड़ाए थे अपन ने, जुम्मे के जुम्मे उड़ाए थे। अच्छा, जुम्मे के जुम्मे अपन क्या है, पहले शौक ये करते थे कि जुम्मे के जुम्मे उड़ाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जुम्मे के दिन की छुट्टी होती थी अपनी दुकान की जी जी, तो सिर्फ जुम्मे के दिन ही कबूतर उड़ाते थे। उसके अलावा हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में, इसमें थी 25 छतें थी, उसमें आपके फर्स्ट इनाम आए, तीनों फर्स्ट इनाम आए थे। माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद हैं, जैसा कि इन्होंने बताया था 3-5 साल तो टोंक में। हाँ। अपन तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, सबसे ज्यादा बाजी अपन ने उड़ा रखी है और जीत रखी है, ज्यादातर जीती हैं। 80% जीत का रिकॉर्ड है अपना टोंक के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितने बड़े उस्ताद हैं, 80% 80 से 90% इनका रिकॉर्ड है टोंक में बाजियाँ उड़ाने का, और जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत अच्छा शौक कर रखा है, इनका लॉफ्ट भी आप देखना माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लॉफ्ट है, ह्यूज लॉफ्ट है। आई थिंक ये टोंक में सबसे बड़ा लॉफ्ट है आज तक का, जहाँ भी मैं जिन छतों पर गया हूँ मैंने इस तरह का लॉफ्ट नहीं देखा। अभी आपको लॉफ्ट का भी शौक करा देंगे, तो आपके जो नायाब परिंदे हैं उनका हमें शौक कराइए जी। अपन पर इन्हीं को उड़ाते हैं और इन्हीं को ब्रेड में डाल देते हैं जोड़ों। अच्छा, के लिए बच्चों के लिए इन्हीं के कबूतर आप जी अपन को उड़ाते हैं और इन्हीं की ब्रीड लाइन लेते हैं, इन्हीं की ब्रीड लाइन लेते हैं शुरू से। वगैरह से कहीं से आप परचेज वगैरह लेते हैं, अपनी जो पुरानी कोम है उसी से बनाते हैं, उसी से उड़ाते हैं। अपन को लाल गंडे वालों से और कलसीरों से इन्हीं से शौक, और इन्हीं को उड़ाते हैं अपन तो शुरू से ही। अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह शौक कराएं आप जी। तो आप इनका तारुफ करवाएंगे थोड़ा? अनवर भाई है, हमारे छोटे भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर भी माशाल्लाह आप काफी अरसे से जानते हैं उस्ताद प्यारे मियां को, तो आपने भी इनको शौक करते हुए देखा है माशाल्लाह। अच्छे टूर्नामेंटों में भी उड़ाए इन्होंने, बाजी वगैरह में भी छोटे से देखते हुए आ रहे हैं हम तो माशाल्लाह। अच्छा करते हैं शौक, ये पहले वहाँ से करते थे प्राइन टॉक से जी जी, अपने वहीं से अब यहाँ से कर लिया इन्होंने माशाल्लाह। मशहूर और मारूफ उस्ताद हैं उस्ताद प्यारे मियाँ, पहले पुरानी टोंक में एक इलाका है वहाँ से शौक किया करते थे। फिलहाल यहाँ कैप्टन कॉलोनी है जयपुर रोड के करीब, यहाँ से शौक कर रहे हैं। अनवर भाई इनके भाई हैं और हमारे भी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह शौक कराएं। आप देख सकते हैं एक उस्ताद अपने फ़न से क्या कलर और क्या खूबसूरती के कबूतर बना सकता है, और ये उस्ताद ने अपने लाल गंडेदार कबूतर बनाए और काफ़ी अरसे से शौक कर रहे हैं। देख सकते हैं आप ये लाल गंडेदार कबूतर क्या खूबसूरती लिए हुए हैं,
कितना ज़बरदस्त कबूतर है ये, वो ये मादा का वजूद देखें, बिल्कुल चूड़ी में से निकल जाए, सुमाफी की ये मादा लगा रखी है। और ये माशाल्लाह आपको काफ़ी हुनर हो गया आपका माशाल्लाह, गंडोवार में तो बहुत शौक है, गंडोवार का शौक है आपको, शुरू से ही शौक है आपको, 25-30 साल से यही शौक है। अच्छा अच्छा, मतलब लोग आप बना रहे हैं, आपने पहले काफ़ी अरसे पहले इनको बना लिया था, हमने तो लोग गंडेदार जानते नहीं थे, जब से बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोग जानते नहीं थे गंडेदार के होते हैं, जब से ये आपको शौक है गंडेदार का, पट्टा ही ये पट्टा कटा है ना, देख सकते हैं आप पट्टा ये कितने बड़े बुजुर्ग का कबूतर है, और ये देख सकते हैं इसके नर का शौक करा दीजिए, पट्टा ये देखें कितना पट्टा ये अभी कितना खूबसूरत कबूतर है, ये देख सकते हैं कितना लाजवाब कबूतर है, और ये गंडे देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आपको रेड कलर के, बहुत खूबसूरती लिए हुए कबूतर का वजूद देखें, क्या खूबसूरत कबूतर है, बहुत ही, अब इसकी आँख बता दीजिए, ये देख सकते हैं बड़े वजूद का कबूतर, और गंडेदार आपने 20-25 साल पहले बना ली थी, जो लोग आज दिखा रहे हैं, ये देखें बिल्कुल बारीक तिल, बिल्कुल हल्के लाल डोरे लिए हुए आँख, अब इसकी ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत दामन है, बड़े दामन का कबूतर, क्या खूबसूरत लिए हुए, इसका हुस्न देखें आप, दामन देखें क्या लाजवाब दामन है, बड़े दामन का कबूतर है, तलवार नुमा इसके पर हैं, पंजे बता दी सकते हैं काले नाखून, बिल्कुल खुश पंजे, छोड़ दीजिए, ये देखें कितना खूबसूरत वजूद का कबूतर है, अभी तो पट्टा यही है, अभी तो पट्टा यही है, और जब अपने उरूज पे आएगा जब इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये लाल गंडे इसके देख सकते हैं, काफ़ी 20-25 साल पहले ही इस तरह का कलर आपने बना लिया था उस्ताद प्यारे मियां ने अपने फ़न की ज़रिए से, ये देख सकते हैं आप बड़े वजूद का कबूतर, क्या खूबसूरती है इसकी, हर खूबसूरती का मालिक है ये, ये देखें, अच्छा ये मादा लगाएंगे आप इससे, अच्छा अब लगाएंगे इससे, ये देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत लाल गंडेदार मादा, ये मादा लगाएंगे बिल्कुल चूड़ी में से निकल जाए इस तरह से, ये भी घर की पट्टी है आपकी, ये कितना कितने साल की हो गई, नौ पर की है अच्छा अच्छा, अभी 6-7 महीने की है तक, लगाएंगे साफ हो गया, तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये मादा निकाली है, बिल्कुल चूड़ी में से निकल जाए इस तरह से, देख सकते हैं मादा का वजूद, ये देखें आप, और ये लाल गंडे इसकी आपकी खूबसूरती देखें, क्या ज़बरदस्त लाल गंडे, बिल्कुल 20-25 साल पहले बना लिए थे, अभी जिसकी आँख बता दीजिए, ये देख सकते हैं इसकी आँख कितनी ज़बरदस्त इसकी आँख है, ये देख, इनका क्या रिजल्ट रहता था, 2-3 बजे तक तो ये पैटर्न आए हुए हैं, 2-3 बजे तक तो, अच्छा जब आपने इनके प्रकाट के जोड़ में डाल दिया, उड़ाते हैं पहले फिर प्रकाट देते हैं, उड़ाने का शौक है और इनके पर काटने के बाद इनको जोड़ में डाल दिया, बहुत बढ़िया है, मजबूत बहुत है, उड़ान भी बेपन है इनमें, घर वापसी बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त, 2-3 बजे तक तो आपने देखा हुआ इनको उड़ते हुए, उसके बाद आपने इनके पर काट के इनको जोड़ में डाल दिया, जी ये देखें आप ये मादा इसको उड़वा के देख रखा है आपने, दामन बता दीजिए, ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत दामन है ये मादा, बिल्कुल बिल्कुल इसके चौड़े पर बिल्कुल वाइब्रेशन हर कबूतर में, इसकी खूबसूरती देखें आप, बहुत ही गंडे हैं, ये ट्रिपल हो जाएंगे जी, साल प्लट में बिल्कुल ट्रिपल हो जाएंगे, ये 3 लेयर चलेंगी इस तरह की रेड कलर की, ये देखें कितने खूबसूरत वाइब्रेशन, अब पंजे ये देख सकते हैं काले नाखून खुश पंजे, छोड़ ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त ये मादा है, ये मादा लगा रखी है बिल्कुल लाल गंडे वाली, और इसको टेस्टेड है, एक्चुअली उस्ताद हैं, उड़ाने का शौक है इसलिए उड़ा के देखते हैं, और क्या ज़बरदस्त इसकी स्टैंडिंग है, बिल्कुल पतले पतले पैर और काले नाखून लंबे, ये मादा पतले वजूद की, और ये नर देख सकते हैं कितना खूबसूरत नर है, इससे लगाएंगे जोड़ा ये मादा, ये देखें आप क्या ज़बरदस्त है ये नर इसका, ये देखें आप जोड़े का शौक करें एक साथ, चमक बहुत है, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी स्टैंडिंग है, जो शान दिखा रही है इसकी, क्या ज़बरदस्त इसकी उड़ान है, और क्या ज़बरदस्त इसका कलर है, हर तरह से के मालिक उड़ान के और शान के, ये टूर्नामेंट में उड़ा हुआ है, ये बाजी में 2-3 बजे तक बैठा हुआ है आराम, बाजी में ना जी। ये बाजी में हर बाजी में उड़ा हुआ है, कितनी बार उड़ लिया अपने पास बाजी में, तकरीबन 4 बार 2-3 बजे आया हुआ है, ये देखो 2-3 बजे का पैटर्न कबूतर, लड़ा वाले कबूतर, इसका भाई यही पट्टे का, ये सगा भाई है इसका, जैसा कि उस्ताद ने बताया, ये देख सकते हैं आप, ये खूब उड़ा हुआ है, कलर देख सकते हैं आप, इस पर कलर लगा रखा है, और ये देखें इसकी खूबसूरती, क्या लाजवाब हो कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती का मालूम, ये देखें इसके भी वही गंडे आ जाएंगे, रेड हो जाएंगे, ये भी इसके भी गंडे आ जाएंगे, आ रहे हैं गंडे इसके जी, इसके भी रेड गंडे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, अब इसके माँ बापों ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी आँख है, ये लास्ट में जो पट्टा बताया था उसकी, ये देखें आप बिल्कुल मजबूत आँख के कबूतर कहलाते हैं, गंडेदार बाजरे 20-25 साल पहले ये कोम तैयार कर ली थी, बारीक पलकें बारीक तिल, ये देख सकते हैं बिल्कुल बहुत खूबसूरती लिए हुए बड़े दामन का कबूतर, बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन है इन कबूतरों में, पंजे बता दें, ये देख सकते हैं काले नाखून बिल्कुल खुश पंजे,
ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना उम्दा कबूतर है, बहुत ही लाजवाब इसकी स्टैंडिंग देखिए, बहुत ही लाजवाब स्टैंडिंग है और हर बाजी में उड़ा हुआ है, तीन चार बार उड़ा हुआ है, दो तीन बजे का पैटर्न कबूतर है, जब भी उड़ाया है इसको दो तीन बजे आया है ये, और उड़ाने का शौक है, काफ़ी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा वजूद देखें कबूतर का, ये देख सकते हैं आप क्या ज़बरदस्त कबूतर है। अच्छा ये माँ बाप इनके देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब बड़े साइज़ के कबूतर, जो लास्ट में आपको दो तीन कबूतरों का शौक कराया था वो सब इनके माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं ना, उन सबके माँ बाप हैं, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये माला है और ये बड़े साइज़ का कबूतर, बिल्कुल 1 फुट 2 इंच के तकरीबन कबूतर है, ये देख सकते हैं लाल गंडे भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत खूबसूरती ये मादा लगा रखी है लाल गंडे की, इसके अंदर का देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हुस्न का मालिक है ये कबूतर, और बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें आप, और ये गंडे आपको हर कबूतर में मिलेंगे, उस्ताद ने काफ़ी टाइम पहले बना लिए थे, इसकी खूबसूरती देखें, अब आँख बता दीजिए इसकी, ये देख सकते हैं इसकी आँख क्या ज़बरदस्त इसकी आँख है, बिल्कुल बारीक तिल बारीक पलके हैं, ये देखें आप बिल्कुल काले नाखून खुश पंजे, ये देखें क्या लाजवाब कितना खूबसूरत कबूतर है, इसकी स्टैंडिंग देख लीजिए आप, जो फर्स्ट में आपको दो तीन कबूतर बताए थे उनके माँ बाप हैं उसका, ये देखें आप क्या ज़बरदस्त कबूतर है, बहुत खूबसूरती का मालिक, इसकी स्टैंडिंग और इसका खड़ा होने का अंदाज, इसका वाइब्रेशन सब कुछ परफेक्ट, ये मादा लगा रखी है, इनका क्या रिजल्ट रहा है उस्ताद? 3-4 बजे तक आराम से उड़ के देख रहे हैं बच्चों, वही 3-4 बजे की पैटर्न है, ये देखें ये जो आपको 3-4 पट्ठों का शो कराया था उनके माँ बाप हैं, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मादा है, उसके लाल गंडे देख सकते हैं, ये देखें आप क्या लाजवाब है, 20-25 साल पहले ये कौम तैयार करी हुई है, उस्ताद की आँख बताना उस्ताद इसकी, आँख तो माशाल्लाह सबके एक जैसी मिलेगी, ये देख सकते हैं आँख में ज़रा भी ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा, ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी आँख है, बिल्कुल लाल डोरे लिए बारीक तिल की बारीक पलके हैं, ये देख सकते हैं काले नाखून बिल्कुल खुश पंजे, ये देखें आप कितने खूबसूरत कबूतर हैं, बहुत ही लाजवाब बहुत ही उम्दा हर खूबसूरती के मालिक, इनका कलर इनका गंडेदार कबूतर 20-25 साल पहले कौम तैयार कर ली थी जो लोग आज तैयार कर रहे हैं, और ये देखें इसके बच्चे हैं सब, ये वाइब्रेशन कर रही है जो इसी के बच्चे हैं सब, सब कबूतरों का आप एक साथ शौक करें, जो वाइब्रेशन कर रही है वो मादा उसी के पट्टा पट्टी काटे हैं सारे, ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाइब्रेशन है आपको, बिल्कुल जस्ट फ़ोन जिस तरह से वाइब्रेट करता है उस तरह से वाइब्रेट कर रही है ये मादिन, और ये इनके माँ बाप है, ये नर है और ये मादा है, जो इनके पट्टा पट्टी ये देख लें आप कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही लाजवाब बहुत ही उम्दा खूबसूरत कबूतर, लाल गंडे वाले कबूतर, टोंक की उस्ताद प्यारे में अपने फ़न से हर कबूतर बना लेते हैं, हर तरह का कलर बनाने में माहिर हैं, उड़ाने में माहिर हैं, ये देखें आप सब कबूतर कितने खूबसूरत हैं, सब कबूतरों का वाइब्रेशन इनकी खूबसूरती, और ये गंडे दिख रहे हैं आपको रेड कलर के, ट्रिपल हो जाएंगे साल पलट में, ये देखें आप इस कबूतर की गुटक देखें कितना ज़बरदस्त, ये देखें आप बहुत ही लाजवाब, इसको रिंग्स पे ना रखिए खूबसूरती के लिए, ये देखें आप बहुत ही लाजवाब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा कबूतर हैं, सब सारे कबूतरों का ऐसा एक साथ शौक करें आप, ये देखें आप बाय स्टैंडिंग बाय बॉडी स्ट्रक्चर सब कंप्लीट है, ये देखें आप बहुत खूबसूरती लिए हुए हर कबूतर, हुस्न का मालिक माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जो हुनर दिया उस्ताद को उसका भरपूर इस्तेमाल, ये देखें आप सब कबूतर एक से एक आला से आला कबूतर, ये देखें सब कबूतर बहुत ही खूबसूरती लिए हुए हैं, सारे कबूतरों का ऐसा शौक करें, ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप सब कबूतर बहुत खूबसूरती लिए हुए हैं, ये देखें बहुत ही लाजवाब बहुत ही उम्दा कबूतर है, ये देखें आप, और ये सेटअप है कबूतर सेटिंग के लिए, यहाँ कबूतर पक्के किए जाते हैं और ये इस तरह के कबूतर लोग संभाल के रखते हैं सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन उस्ताद इनको बाजियों में काम में लेते हो सब जी, बाजियों में टूर्नामेंटों में, जो लोग इन जोड़ों को 20-30 हज़ार रुपये में बेचा करते हैं उस्ताद इनको आसमान की बुलंदियाँ दिखाते हैं, ये देखें वो ही कबूतर हैं ये, जो लोग इनको 20-30 हज़ार रुपये का बेचते हैं अपना कारोबार करते हैं, लेकिन उस्ताद इनको आसमान की बुलंदियाँ दिखाते हैं और अपना शौक करते हैं, इस तरह का भी शौक है, ये देखें आप सब कबूतर माशाल्लाह ये बाजियों में काम में आते हैं, लोग इनको सीने से लगा के रखते हैं अपने लॉफ्ट की शान बना के रखते हैं, लेकिन उस्ताद इनको बाजियों में काम में लेते हैं, ये देखें माशाल्लाह, जिस भाई ने चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।